धाम की पोटेंसी होती है, जब आप यहाँ जाते हैं तो धाम की शक्ति से आप प्रभावित होते हैं। जैसे ये कृष्णा का जन्म स्थान या कृष्णा का लीला स्थान है, तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो यू वुड बिकम कृष्णामय। पर जैसे ही आप अपने शहर में जाएंगे, यू विल बिकम अगेन मेटेरियली कॉन्शियस। तो अगर आप इस भाव को बनाए रखना चाहते हैं तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जितना आपके लिए कर सकते थे उस एक हफ्ते में हमने किया, ताकि आप या अध्यात्म जो ऊर्जा है उसको समझ सकें। अगर अब आप अपने अध्यात्म ऊर्जा को समझा है तो उसको बनाए रखना अब आपका कर्तव्य है, वाइल ट्राइंग टू मेंटेन योर फिजिकल बॉडी। विच मीन्स जब आप अपने शहर में जाएंगे, यू हैव टू अटेंड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको ऑफिस जाना होगा, परिवार की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना पड़ेगा, बस साथ ही साथ वी कैन कीप इन टच विद स्पिरिचुअल एनर्जी ऑन एवरी डे बेसिस बाय मेकिंग श्योर एवरी मॉर्निंग वी चेंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मेरी आप सभी से विनती है, अगर आपको लगता है श्रीमती राधा रानी की आप पे कृपा है या कृपा मिली है या आपके मन में उनके प्रति कृतज्ञता है, जाने से पहले श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करके जाइएगा बाय टेकिंग अ वाओ। श्रीमती राधा रानी इज़ वेरी प्लीज व्हेन शी सीज समबडी ग्लोरीफाइज कृष्णा। एंड हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से सिर्फ आप कृष्ण को नहीं राधा रानी को भी ग्लोरीफाई करते हैं। सो एटलीस्ट टेक अ संकल्प, बिकॉज टुमारो अनदर यात्रा बिगिंस, योर यात्रा एट योर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तो वहाँ जाने से पहले कल आप संकल्प लेके जाइएगा। एंड वॉट इज दैट संकल्प? उस संकल्प के बारे में भी हमारे शास्त्र में उसका उल्लेख कहा गया है। चार चीज़ें की गई हैं, चार नहीं पाँच चीज़ें की गई हैं। साधु संघ नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रद्धया श्री मूर्तया सेवन। कहने का अर्थ है पांच चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है और इसी की चीज़ के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न ही हम संकल्प ले रहे हैं कि हर हफ्ते भक्तों का संग करेंगे। आपको जो आज इस स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ है, राधा रानी की कृपा का जो एक्सपीरियंस हुआ है, इज़ बिकॉज यू हैड बीन एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज फॉर अ वीक टुगेदर। अब हफ्ते भर तो रहना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी मेक श्योर वी विजिट अ टेम्पल और वी अटेंड अ प्रोग्राम इन अवर नेबरहुड। साथ ही साथ आपने देखा होगा हमने यहाँ हर हफ्ते मतलब हर दिन यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ सुना है। तो अब आप पे प्रतिदिन सुनने का अगर मौका ना रहे तो कम से कम पढ़िए, एटलीस्ट एक बुक उठाकर शीला प्रभुपाद जी की 15 से 20 मिनट आप अपने प्रतिदिन के लगा सकते हैं। आई कैन टेल यू जो एक्सपीरियंस आज आपके पास है वो एक्सपीरियंस आपका बना रहेगा, अदरवाइज दो दिन के अंदर आप सब भूल जाएंगे कि आपके संग पिछले हफ्ते क्या हुआ है। मेटेरियल एनर्जी इज गोना रियली डिस्चार्ज अस। तीसरी चीज प्रतिदिन नाम जप, हमने संकीर्तन में भाग लिया और प्रतिदिन सुबह नाम कीर्तन जप जिसको कहते हैं वो करा, तो इसको अब आपको कायम करना है। चौथी चीज, अगर जो नए लोग हैं जो प्रसाद के बारे में नहीं जानते हैं तो वी कैन टॉक टू देम और सेपरेटली, एटलीस्ट प्रभु को दिन में कुछ नहीं तो फल फूल जरूर अर्पण करिए। बिगिन द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग। जैसे हम यहाँ धाम पर आए हैं, आप सभी ने देखा होगा हम प्रतिदिन कहीं पे भी जाते हैं भगवान की सेवा के लिए कुछ दान देते हैं। अरे आप यहाँ पर आकर दान दे सकते हैं तो क्या घर पे दान नहीं दे सकते? तो आप दान क्या देना है, आप कुछ अगर वेजिटेरियन डाइट बनाते हैं तो प्रभु को अर्पण करिए, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकारिए। अगर ऐसी सुविधा नहीं होती है किसी कारणवश तो कम से कम प्रभु के नाम के कुछ फल फूल लेकर आइए, पहले प्रभु को अर्पण करिए फिर उसको ग्रहण करिए, तो आपकी वृंदावन कॉन्शियसनेस आपके पुणे बॉम्बे इत्यादि शहर में भी बनी रहेगी। और पांचवी चीज़ जो कही गई है, सेवा भाव। आप सभी यहाँ पर आके आपने कुछ सेवा करी, आपको सेवा जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, किसी ने मैट्स वाइंड अप करे, हॉल सेटअप किया, उस प्रकार से आप जब वापस जाएं तो कम से कम हफ्ते में जहाँ पे भी जिस मोस्ट ऑफ यू आर कनेक्टेड टू अस स्वामी, सो वहाँ हफ्ते में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें प्रसादम सेवा करिए, उसमें प्रोग्राम सेटअप में योगदान दीजिए। अदरवाइज जैसे ही आप घर जाएंगे, आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग दैट्स गोना हैपन, ओहो कितनी सारी चीज़ें करने को हैं। बट प्लीज थिंक अबाउट इट
क्या वो सारी चीजें पिछले एक हफ्ते से होल्ड पे पड़ी या नहीं पड़ी हैं? किसी का कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ नहीं, पर घर पे जाते ही ऐसा लगेगा आह अगर मैं ये नहीं करूंगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ था क्योंकि आप वो सब करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसको आप साइड में रखकर इन चीज़ों को आप नियम के अनुसार अगर प्रतिदिन पालन करेंगे वो बिगड़ा हुआ भी सुधर जाएगा। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट आई विल हैव फॉर ऑल ऑफ यू, मेक श्योर यू हैव दिस फाइव थिंग्स। साधु संग, भगवान के बारे में सुने या पढ़ें, भगवान का नाम जब प्रतिदिन करें, कृष्ण को कुछ अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में स्वीकारें, और पांचवी चीज, आप जिस भी संघ से जुड़े हुए हैं वहाँ पे कुछ सेवा आप वीकली के रूप में, हफ्ते में एक बार के रूप में करने का प्रयत्न करें।